हेलो गाइस, मैं हूं जैगम टूर और आप देख रहे हैं जैगम टूर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अपने यूट्यूब वीडियो की एसईओ किस तरह की जाती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा ऐसे कीवर्ड, ऐसा टाइटल जब आप यूट्यूब की सर्च बार पे सर्च करते हैं तो बहुत सारी लोगों की वीडियो जो है हैश वन पे रैंक कर रही होती है। क्यों रैंक कर रही होती है? क्योंकि उन्होंने एसईओ की होती है बहुत ज़बरदस्त, अपनी वीडियो की 100% एसईओ की होती है। तो गाइज डोंट वरी, मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ बताऊंगा कि किस तरह अपनी वीडियो की, अपनी यूट्यूब वीडियो की आपने रैंकिंग करनी है और एसईओ करनी है। वीडियो को बनाने से पहले सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, जो कीवर्ड है ना वो आपने रिसर्च करना होगा। तो मैं आपको ऐसा टूल बताऊंगा जिससे आप अपना कीवर्ड ढूंढ सकते हैं और कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी टैग हैं ऑटोमेटिकली विद इन सेकंड जो है आप ढूंढ सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो जो है वो दिखाता हूँ किस तरह रैंक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल, गूगल सर्च कंसोल फुल कोर्स 2021, ठीक है। इसको एंटर किया मैंने और उसके बाद देखते हैं कि रिजल्ट आते हैं। और ये देखिए गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हैश वन पे मेरी वीडियो आ गई। गूगल सर्च कंसोल फुल कोर्स 2021। ये देखिए मैं ही हूँ ना जैगम टूर, अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने यूट्यूब पे आ जाना, ठीक है। यूट्यूब पे आने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसको ही मैं जो है वो पोस्ट करना चाहता हूँ और इसकी ही एसईओ जो है मैं करना चाहता हूँ। लेकिन गाइस मैं इस कीवर्ड जो है वो ढूंढता हूँ। आपने क्या करना है, यूट्यूब पे आने के बाद ये देखिए ये आई एक बना हुआ है ट्यूबीडी एक्सटेंशन का, इस पर आपने क्लिक करना है। जिसने ये ट्यूबीडी और विद आई क्यू की मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन भी दे दूंगा, दोबारा फिर देख लीजिएगा किस तरह मैंने बताया था विद आई क्यू और ट्यूबीडी को इंस्टॉल करना और यूज करना, ठीक है। आपने सिंपली ट्यूबीडी की आइकन पे क्लिक करना है और ये देखिए आपने टूल पे चले जाना है। टूल पे चले जाने के बाद कीवर्ड एक्सप्लोरर, ठीक है, आपने यहाँ लॉन्च कीवर्ड एक्सप्लोरर नाउ पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक ओपन हो जाएगा, ठीक है, एक जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल अपलोड लेकिन कंपटीशन इसका वेरी गुड है और ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेंथ जो है वो जबरदस्त है। देखिए 2.24 मिलियन लोग जो है इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, इस कीवर्ड के अगेंस्ट लोग या वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है। कितने 2.24 मिलियन। चले मैं इस कीवर्ड को थोड़ा सा चेंज करता हूँ और 100% लाने की कोशिश करता हूँ। ओके, इसको हम करते हैं रिमूव और यह करते हैं ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या ये हमें 100% रिजल्ट दे पाता है। तो आई होप हमें 100% रिजल्ट देगा। ओके, देख सकते हैं गाइस ये हमें 100% रिजल्ट दे रहा है। सर्च वॉल्यूम एक्सीलेंट, कंपटीशन गुड, ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेंथ जो है वो एक्सीलेंट है, यानी कि 852 मिलियन लोग इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं।
तो हम इसको कर लेते हैं यहाँ से, आपने कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल सी करना है और इसको कर लेना है आपने कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने कर लेना है आप फाइल पे या फिर आपने नोट्स जो है उस पे आपने इस तरह का एक नोट बना देना, ठीक है। ये देखिए मैंने लिखा हुआ हाउ टू पोस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब टू गेन रीच, ठीक है। ओके, आपने ये बना लेना, ठीक है। बनाने के बाद आपने क्या करना है, चलो अब हम चलते हैं वीडियो की जानिब। आपने इस आइकन पे क्लिक करना और यूट्यूब स्टूडियो पे आ जाना, ठीक है। यूट्यूब स्टूडियो पे जाके हमने एक वीडियो जो है वो अपलोड करते हैं और 100% SEO स्कोर लेने की कोशिश करते हैं। और हमने आपने यूट्यूब स्टूडियो पे आ जाना। यूट्यूब स्टूडियो पे आने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली अपनी जो वीडियो है वो अपलोड करनी है और फिर हम उसका टाइटल है आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। वीडियो सिलेक्ट फाइल, वीडियो जहाँ पे पीसी के अंदर आप सेव हो वहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं जो है फॉर एग्जाम्पल ये मैं वीडियो अपलोड हो रही है। अपलोड होने के बाद ये देखें, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले ऑलरेडी लिखते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये टाइटल है, ये मैं कॉपी करता हूँ यहाँ कंट्रोल सी और यहाँ पे आके कंट्रोल वी करना है और आपने यहाँ पे पेस्ट टाइटल मेरा फिक्स हो गया। एक और बात याद रखिए गाइस, ये जो टाइटल है ना ये 60-70 वर्ड्स के दौरान होना चाहिए, ना इतना छोटा हो और ना ही इतना लंबा हो, ठीक है। यानी कि 70 करेक्टर तक तकरीबन 70 वर्ड्स तक जो है ना होना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन है जी, डिस्क्रिप्शन हम ऐड करते हैं, सिंपली मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है। आपने इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, आपने अपनी वीडियो के बारे में अगर बताना हो तो आपने सिंपली यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। और टॉपिक कवर में टॉपिक दे देने और हैशटैग लाजमी आपने लगाना है अपनी वीडियो के रिलेटेड, और शायद आप निगाहें थोड़ी सी ऊपर रखें। ये लिखा हुआ है एक्शनेबल एसईओ स्कोर, ये मेरे जहाँ पे कर्सर है मेरा एक्शनेबल एसईओ स्कोर 0 है, तो अभी इस पर आपने नजर रखनी है, ठीक है। इसको मैं तकरीबन 45 से बम करके दिखाऊंगा, ठीक है। इस पर नजर रखनी है और मेरी वीडियो पे भी। ओके, यहाँ पे आपने प्लेलिस्ट सेट कर, ठीक है। ये मैं एग्जांपल के तौर पर वीडियो जो है वो बनाई है पोस्ट की है, तो प्लेलिस्ट भी आपने लाजमी से रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं मेन चीज की तरफ, कीवर्ड, ठीक है, सॉरी टैग। ये टैग लगाना गाइस कभी भी ना भूलिएगा, ठीक है। जब तक आप टैग नहीं लगाएंगे आपकी वीडियो कभी भी रैंक नहीं हो पाएगी। इसके लिए एक टूल अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। आपने जाना है tunepocket.com, ठीक है। ये ऑनलाइन टूल है, यहाँ पे अपना कीवर्ड आपने पेस्ट करना है सिंपल। फॉर एग्जाम्पल मेरा कीवर्ड है हाउ टू पोस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब टू गेन रीच, ठीक है। जनरेट टैग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास तकरीबन 495-490 अल्फाज के जो टैग है ना वो क्रिएट होके आ जाएंगे, जबरदस्त। यहाँ पे आपने क्या करना है, कॉपी टू क्लिक बोर्ड, कॉपी टू क्लिक बोर्ड करनी है और सिंपली आपने ऐड टैग पे कंट्रोल वी कर देना है और स्कोर को देखिए, एक्शनेबल स्कोर देखें 46 हो गए ना गाइस। ओके, अब हम करते हैं इसको अपलोड और आपको मैं ट्यूबिडी पे दिखाता हूँ कि कितने परसेंट स्कोर हुए नेक्स्ट। और यहाँ से मैं अनलिस्ट कर देता हूँ कि मैं इसे दिखाना नहीं चाहता, सेव करना है अपने। सेव करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा